प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, अपने संधियां चल रही हैं, जिसमें स्वर संधि का जो पांचवा भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र है अकै स्वर्ण दीर्घ है। यानी अकै स्वर्ण दीर्घ का मतलब क्या होता है कि जब ए आ ई ऊ री और बड़ी री स्वर वर्णों के परे या बाद में ये ही स्वर वर्ण आए, इनके समान ही दूसरे स्वर वर्ण आए, इनके समान ही आए, ये वर्ण ही आए, चाहे ए आ जाए, चाहे ये आ जाए, ये आ जाए, ये इधर आए तो इधर भी ये आए, इधर ही आए तो इधर भी ये आए, इधर ही आए तो इधर भी ये आए, इधर ही आए तो इधर भी। तो संधि करते समय ए आ का होगा आ, ई का होगा बड़ी, ऊ का होगा बड़ा ऊ, और री और बड़ी री का होगा बड़ी री। इस प्रकार से नियम जो पहला है ए और आ के बाद में या तो पहले ए आए के बाद में चाहे आ जाए, चाहे आए, चाहे कोई सा स्वर आए तो उसका होगा आ। जैसे रामा प्लस आल है तो रामा, मा में आ है, आ ये रहा, आ इधर, आ आ का क्या हो गया आ, ये रहा आ, तो रामालय, रामालय। ऐसे ही हिमालय है, ऐसे ही पुस्तकालय है, ऐसे ही शिवालय है, ऐसे ही मतलब और भी अपन भोजनालय है, भो जय ना लय। इस प्रकार से जो इसके जो उदाहरण हैं ये बहुत हैं, लेकिन जब इन उदाहरणों को अपन अच्छी तरह विच्छेद करके, अच्छी तरह विच्छेद करने में सक्षम रहेंगे तो अन्य उदाहरणों को भी अपन कर सकते हैं। इस प्रकार से अगला जो नियम है, दूसरा नियम, वो देखिए आप। दूसरा नियम इसका यह है, दूसरा नियम है नियम नंबर दो, ई या बड़ी और बाद में ई या बड़ी ये आ जाए, इनकी जगह होगा बड़ी ई। जैसे परी प्लस इच्छा, ये विच्छेद है। अब देखो प्लस से पहले छोटी और प्लस के बाद में बड़ी, छोटी इसमें छोटी ई है और बाद में बड़ी ई है, इन दोनों की जगह क्या होगा, ये जैसे बड़ी है तो इन दोनों की जगह हो जाएगा बड़ी। तो परी में रे में ई निकाला तो आधा रे बचा पै रे प्लस ई प्लस क्षा, क्या बना पै रिक्षा, परी प्लस ईक्षा। इसी प्रकार से अपन और भी उदाहरण लिख सकते हैं, हरी सह गिरी सह मतीव इत्यादि जो शब्द हैं ये इसी के हैं, इत्यादि जो शब्द हैं वो इसी के हैं। तो आप नियम नंबर तीसरा है, नियम नंबर तीसरा है ऊ या बड़ाऊ, बाद में ऊ या बड़ाऊ, इन दोनों की जगह होगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ ये होगा, इन दोनों की जगह बड़ा ऊ ये होगा। तो बड़ा ऊ में क्या है कि जैसे बड़ा ऊ के जो उदाहरण हैं वो जैसे भानु, भानु प्लस उदय। अब इसमें क्या है ऊ, क्या है इसमें और इधर क्या है ऊ, इन दोनों की जगह हो जाएगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। जैसे आप इसमें देखो समझो, भा ने प्लस बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है प्लस दय है, तो क्या बन गया भा नु दय यह, भानु दय है, भानु दय है। ऐसे ही अगला है भानुदय, जैसे भानुदय अपन ने लिखा, ऐसा ही अगला जो नियम है विष्णु, वो उदाहरण है विष्णुदय, विष्णुदय है, काकुदय, काकुदय इत्यादि जो शब्द हैं ये इसी नियम के उदाहरण हैं। दीर्घ संधि के तीसरे नियम के उदाहरण हैं। अब आगे का जो चौथा नियम है वो है ये
जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, चौथा नियम जो है वो क्या है? चौथा नियम है नियम नंबर चार। नियम नंबर जो चार है ये है री या बड़ी री, इनके जो मात्राएं हैं वो ये होती है, ये और ये, और बाद में भी छोटी री या बड़ी री, ये मात्राएं ये होती है, तो इनकी जगह हो जाएगा बड़ी री। बड़ी री की मात्रा होती है ये डबल, ऐसे बड़ी री की मात्रा होती है। जैसे आपके पास उदाहरण दें, जैसे पितृ प्लस ऋणम, ये संधि छेद है। अब तय में क्या है? री, ये री है और इधर भी री है, इन दोनों की जगह क्या होगा? बड़ी री। अब इसको मिलाएंगे अपन पी और तय, तय में री निकल गई तो आधा तय, प्लस प्लस अणम, तो क्या बन गया? पितृणम, बड़ी री पितृणम, ऐसे ही होत्रणम, ऐसे ही मात्रणम, इत्यादि जो शब्द हैं ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दीर्घ संधि के चार नियम बता दिए गए आपको, इन नियमों को आप अच्छी तरह से लिखना समझना, और आगे का वीडियो जब होगा तो आगे कल बताया जाएगा। धन्यवाद।